सुषमा सर जी, मैं तुम्हें बताता हूँ, यही वो औरत है, यही औरत मुझे बार बार दिखाई देती है, यही औरत मुझे परेशान करती है। नहीं ये सब झूठ है, झूठ है ना ये सब, बताओ बताओ मुझे। नहीं सुषमा यही सच है, यही वो औरत है, ये ना अभी ना ये देखो ये ना ये अभी वहाँ थी, वहाँ मुझे देख रही थी, मुझे बुला भी रही थी, उसके बाद ना ये दरवाजे पे आई और मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, मुझे कुछ बताना चाह रही थी वो, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। और उस दिन जब कावेरी यहाँ पर थी ना तब तुम्हारी आई भी यहाँ पर ही थी, और उन्होंने मेरे पास से ना वचन लिया था अन्ना और उनकी शादी कराने के लिए। यहाँ पर कावेरी थी और वो वहाँ पर थी, मैंने उन्हें वचन दे दिया। ये वही औरत इस औरत से मुझे बहुत तकलीफ होती है, ये औरत मुझे चारों तरफ दिखती है, ये औरत से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे औरत नहीं चाहिए मुझे औरत मेरे सामने नहीं दिखती। शांत हो जाओ। पूर्वा की शादी ना हो इसलिए अड़चने लाने की सोच रहे थे ना, शादी हो गई, अच्छे से हुई, जो रास्ते आया उसे बाजू किया। अब तो अन्ना समझ जा, तुझे जो लग रहा है वो आसान नहीं है। क्यों बैठे तुम लोग खाने की थाली पर? हाँ पूर्वा और उसके पति के शरीर में घुसकर तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करनी थी इसलिए ना। अरे अन्ना खुद की गृहस्थी तुम लोगों ने बर्बाद की, बच्चे की गृहस्थी में आग लगाई और अब उस पूर्वा की गृहस्थी को राख करने चले थे क्या तुम? और याद रखना अब मैं तुम्हें कोई शरीर मिलने नहीं दूंगी। अब रोकर कुछ भी नहीं होने वाला सुषमा। सहजी मुझे सच बताओ, सच में वो मेरी आई थी क्या? सुषमा मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ वो तुम्हारी आई थी। सहजी मुझे ना गुस्सा आ रहा है, पर इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है एक बेटी के लिए। देखो सुषमा मुझे भी तकलीफ हो रही है पर यही सच है और सच्चाई को हम झुटला नहीं सकते। आई आई क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुम्हें अपनी बेटी पर दया नहीं आती क्या? उसकी चिंता नहीं है, उसकी गृहस्थी की चिंता नहीं है क्या तुम्हें? आई मुझे मेरी गृहस्थी बसानी है, मुझे सुखी रहना है, आई मुझे चैन से रहने देना, हमारा पीछा छोड़ आई। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी मृत्यु की मेरी नजरों में कोई कीमत नहीं बचेगी। आई रोको ये सब, बंद करो ये सब। कैसे दिन आगे हैं? कुछ दिनों पहले इस बाड़े पर कब्जा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और अब ऐसा लग रहा है इस बाड़े में सब खत्म हो गया, इसका डर लगने लगा है मुझे। सहजी अन्ना देखती हूँ हाँ तेरी शक्ति में, अरे तुझसे अकेले लड़ पड़ूंगी मैं, बच्ची हूँ मैं, अब मैं सजग हूँ। बोल ये बाड़ा छोड़ेगा या नहीं? अन्ना धीरे धीरे तेरी गर्दन जकड़ूंगी और फिर तेरी शेवंता की खबर लूंगी। हाँ अब मैं जो जगह दूंगी वहां चुपचाप बैठना। बच्ची काकी क्या हुआ बेटा, और कुछ सुनाना बाकी है तो सुना दे, गुस्सा कर, दिल की भड़ास बाहर निकाल, मन हल्का कर बेटी। मेरे को माफ करिए ना। माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं जानता आपको गुस्सा आया होगा। बेटी तुझ पर क्यों गुस्सा करूंगी, इतना ही कि मैं जो कहती हूँ तुझे समझ नहीं आता, पर उसमें तेरी गलती नहीं है, तेरे हाथों में होता तो तू जरूर करती।
उतनी समझदार है तू। बच्ची काकी, समझदार तो तुम हो ना। मैं तुमको क्या क्या बोली, अभी तुम्हारा जगह पर कोई और होता तो मेरे से बात भी नहीं करता। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। अपने को पछतावा होता है तो बहुत हुआ, जा, मेरे मन में कुछ भी नहीं है। अपना ख्याल रख, इतना ही कहूंगी। बच्ची काकी, मेरे को अन्ना दिखता है, वो मेरे को डराता भी है। उन्होंने ना मेरे से कोबरा का बड़ी भी ले लिया था। कोबरा की बड़ी है ना? मुझे देगी? पूर्वा के लिए दे रहे और दे और ना, वो मेरे को सुषमा का कमरे में भी ले गया, और उधर उनका और कुमुदनी का शादी होगा ऐसा वचन देने को कहा था। कावेरी, तुझे पूर्वा की शादी करानी थी ना, वो तो हो गई, अब हमारी शादी करवा दो ना। सयाजी, तू कावेरी के हाथों में हाथ रखकर कसम खा कि हमारी शादी करवाएगी। मेरी पोती आई है पर खाना खाकर नहीं जा रही, खाना खिलाकर भेज। मैं सच कह रही है। कोई तुझ पर विश्वास रखे या ना रखे, पर मेरा तुझ पर विश्वास है। खुद को संभाल। सयाजी, आना यहाँ, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे तेरी और कावेरी की मदद चाहिए। कैसी मदद और क्यों? मुझे मेरी इच्छा पूरी करनी है। ऐसी कौन सी इच्छा है जिसकी वजह से आप? मुझे अन्ना से शादी करनी है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। इन सारी बातों से मुझे बाहर निकलना है, छुटकारा पाना है मुझे। मेरे को कुछ होगा नहीं ना, घर वालों को तकलीफ नहीं होगा ना। बेटी, तेरी सास की पुण्याई है तेरे साथ और अभिराम है तेरे साथ।